वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो आइए आज चलते हैं मुगल काल का प्रसिद्ध प्राचीन लखनऊ का कालका देवी का मंदिर। अच्छे से इन दुकानों को सजाया गया है नवरात्रों के लिए। कितनी खूबसूरत लग रही हैं, नवरात्रों में ऐसे ही ये दुकानें सजी रहती हैं। और देखिए, ये है वो सबसे पुरानी दुकान मंदिर के जस्ट सामने, जहां हम हमेशा से रुकते आए हैं। इतिहास में मुगल काल में हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक रहा है इटावा का, लखनऊ का ये कालका देवी मंदिर। यह मंदिर 9 सिद्ध पीठों में से एक है। और इस मंदिर का एक पहलू यह है कि इसका परिसर यानी कि जो आंगन होता है, सैयद बाबा की दरगाह भी स्थापित है। तो चलिए आइए देखते हैं अंदर इस खूबसूरत मंजर का नज़ारा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू व भारत के सुप्रसिद्ध वकील तेज बहादुर सप्रू, इन सभी ने मां के दरबार में आकर दर्शन किया है। नवरात्रों के दिनों में यहां लाखों की संख्या में बहुत भीड़ रहती है, जिस वजह से यहां पुलिस प्रशासन को भी मौजूद रहना पड़ता है ताकि सभी लोग अच्छे से दर्शन कर सकें। इस मंदिर का आंगन कच्चा रखा जाता है, जो कि रजिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। और मां काली की प्रतिमा इसके परिसर में ना रखकर 7 दरवाजे के अंदर बंद है। और इसका आंगन गोबर से आज भी लीपा जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में एक ओर जहां मंदिर में काली माता विराजती हैं, तो वहीं उसी आंगन में स्थित सैयद पीर बाबा की दरगाह भी है, जो सांप्रदायिक एकता व सौहदी की मिसाल है। और इस मंदिर का निर्माण राजा राव जसवंत ने करवाया था मुगल शासक में। और यहाँ सैयद बाबा की प्रसाद में आपको ये कौड़ियाँ मिलती हैं, जो कि बहुत शुभ मानी जाती हैं इसको अपने पास रखने से। दूसरी ओर माता को ये भोग लगाया जाता है और उनको ये सारी सुहाग की चीज़ें वहाँ चढ़ाई जाती हैं। और वहाँ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने, अपनी विश मांगने। और ये जवारे माता को यहाँ चढ़ाए जाते हैं। माता का जो असली दरबार है वो इस दरवाजे के अंदर है। इस दरवाजे के अंदर माता की जोत जलती है, जिसके दर्शन लोग यहाँ करने आते हैं और यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। और मंदिर में धर्म, आस्था, एकता, सौहदी, मानवता व प्रेम की पाठशाला है। और यह मंदिर करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्थाओं का केंद्र भी है। और इस मंदिर में दर्जनों दस्यु सम्राटों ने ध्वज पताकाएँ चढ़ाई हैं, जैसे कि निर्भय गुज्जर, रजन गुज्जर, अरविंद, मलखान सिंह, फूलन देवी, मान सिंह, फक्कड़ बाबा, मौर सिंह, माधो सिंह। ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे दस्यु सम्राट हैं जिन्होंने इस मंदिर में आके ध्वज पताकाएँ चढ़ाई हैं और यहाँ आके मन्नत मांगी है। और उनका बहुत योगदान रहा है इस मंदिर में। इसी तरह से लोग दंडवत प्रणाम करते हुए पूरे रास्ते को तय करते हुए मंदिर में इसी तरह से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में बहुत आस्था है, बहुत मान्यता है यहाँ इस मंदिर की। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं, यूपी में, इटावा में आसपास हैं, तो ज़रूर एक बार इस मंदिर में आइए। लोग यहाँ कन्या भोजन भी कराते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कन्याएं आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं। और इसी तरह लोग ज़रूरतमंद लोगों को भोजन भी कराते हैं।
ये दुकानें हैं दादा परदादाओं के ज़माने की, जो कि बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। मैंने ये बहुत पहले वीडियोस में देखा है इन्हें, तो इनमें कुछ नहीं बदला है, जैसी थी वैसी ही हैं। तो आइए चलते हैं अब लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध तालाब देखने, वो तालाब जो हर जगह फेमस है। और ये तालाब मंदिर के जस्ट सामने है। और इस तालाब की खासियत ये है कि जब राजा रानी की शादी हुई थी तो उनकी शादी का जो मंडप था वो मंडप आज भी इस तालाब में बीचों बीच गड़ा हुआ है। और उस मंडप को गड़े हुए हो चुके हैं 300 से 350 साल, मतलब कि ये तालाब और ये मंडप 300 से 350 साल पुराना है। तो इसलिए ये तालाब बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जोड़ों की नई शादी होती है, वो जोड़े शादी के बाद यहाँ आकर विसर्जन करने वाला, वो इस तालाब में आके वो लोग विसर्जन करते हैं। इस वजह से ये तालाब थोड़ा सा गंदा हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है वो इस तालाब को साफ करवाता है। लेकिन जब नवरात्रे आते हैं तो उस टाइम इस तालाब में थोड़ा इस तरह का आपको गंदगी मिलती है देखने को। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर लोग यहाँ आते हैं, आस्था है इस मंदिर की, इस तालाब की, तो लोगों को इस तरह से गंदगी नहीं फैलानी चाहिए उस पानी में। और जो चीज़ वो लोग विसर्जन करते हैं उसको इस तरह से ना डालें और इसका कोई दूसरा तरीका निकालें ताकि पानी गंदा ना हो। और प्रशासन को भी इस चीज़ को देखना चाहिए और इस तरह से बार बार यहाँ की सफाई करानी चाहिए नवरात्रों के दिन, ताकि ये गंदा ना हो।